इस बार गोरखपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी ने गोरख धंधा चला रखा था, इस बार गोरखपुर के लोग ही उस गोरख धंधे को बंद करने का काम करेंगे। मैं देख सकता हूं इतना समर्थन, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए हैं, ये बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैं तो गोरखपुर कई बार आया हूं आपके बीच में, कई बार गोरखपुर आने का मौका मिला। मैं जब पिछली बार अपना समाजवादी विजय रथ लेकर के आया था, तभी मैंने स्वीकार कर लिया था कि इस बार गोरखपुर की जनता कुछ नया इतिहास बनाने जा रही है और आपको छठे चरण में वोट डालने का मौका मिल रहा है। छठे चरण में मुझे लगता है कि इस बार छठे चरण में ही इनको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। वैसे तो गोरखपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, इतना सम्मान और इतना प्रेम कहीं नहीं मिलता जितना गोरखपुर की जनता देती है। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं? बाबा मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो लगता है इस बार यहाँ का नौजवान, गोरखपुर का किसान मजदूर इनकी भाप निकाल देगा, भाप निकाल देगा। और भाप क्यों ना निकाले बताओ, 3 साल से भर्ती बंद है कि नहीं बंद है? हमारे नौजवान जो भर्ती में जाकर के वर्दी पहन करके देश की रक्षा करना चाहते थे, उन्हें भी भर्ती में जाने का मौका नहीं दिया। मैं गर्मी निकालने वालों कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वैसे बाबा लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर बाबा योगी है तो उन्हें और झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता इतना झूठ नहीं बोलते होंगे जितना बाबा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं जान रहा हूं हमारे और आपके बाबा मुख्यमंत्री, अरे मतलब की बात सुनो, हमारे और आपके बाबा मुख्यमंत्री हमें कहते हैं कि हम कोई बात नहीं। मुझे पता है आप जिताने जा रहे हो या सरकार बनाने जा रहे हो, इसलिए जो जाए वही खड़ा रहे, आगे पीछे न जाए।